सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा गैजेट लेके आ चुका हूँ जो भाई आपके होश तक उड़ा देगा। सो गाइस, मैं आज एक ऐसा माउस लेके आया हूँ जो भाई आपके पूरा होश उड़ा देगा। तो भाई माउस कौन सा है, कैसा है, तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहना, नहीं तो भाई आपको ये नहीं पता लगेगा कि भाई मैंने कौन से माउस के बारे में बताया है। तो गाइस, सैमसंग गैलेक्सी ने एक माउस लॉन्च किया है भाई। वो माउस ऐसा है कि अगर आप ज्यादा काम करोगे तो वो माउस भाग जाएगा। मतलब ये इस माउस को इस तरह बनाया गया कि बहुत से लोग काफी ज्यादा लिटरली बहुत ज्यादा काम करते हैं कंप्यूटर पे और वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। तो सैमसंग ने इस चीज को देखते हुए इस माउस का लॉन्च किया है। और इस माउस में एक ऐसा फीचर है, अगर आप इसको ज्यादा यूज करोगे तो ये माउस आपके हाथ से भाग जाएगा, ठीक है। और ये माउस वायरलेस भी है। अगर आप इस माउस से काफी ज्यादा काम करते हो, अगर इसकी बैटरी अपने आप, वैसे तो ये बैटरी अपने आप इसे खत्म हो जाएगी, तो आपको चार्जिंग में भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये माउस खुद जाके भाग के चार्जिंग पॉइंट में लग जाएगा और ये ऑटोमेटिक चार्ज लेने लगेगा। सैमसंग गैलेक्सी ने इस माउस को इसलिए बनाया क्योंकि आज के लोग काफी ज्यादा लिटरली बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं, इतना ज्यादा काम करने लगे हैं कि वो उनका पीसी काफी ज्यादा हीट करने लगता है। तो इसलिए यही सब देखते हुए सैमसंग गैलेक्सी ने भाई एक माउस लॉन्च किया है जो माउस अपने आप भाग जाता है अगर आप उससे ज्यादा काम करते हो तो। अगर देखा जाए तो भाई ये बहुत अच्छा चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई ये सही भी नहीं है। अगर आप किसी को मेल कर रहे हो या आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो, सपोज आपको कोई बॉस है, अगर आपको कोई फाइल देना है प्रिपेयर करके, अगर उस टाइम अगर आपका माउस भाग जाए तो आप क्या करोगे। तो भाई ये सबसे बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है इस माउस से। तो जो मेरा एक्सपीरियंस भाई जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो काफी अच्छा रहा है इस माउस को लेके। इस माउस के बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।